राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका संतोष क्रिएटिव गार्डन में। आज मैं आपके साथ में एक बहुत ही हार्डी वैरायटी के एक जो ऑर्नामेंटल प्लांट है, जो लीव्स का प्लांट रहता है ग्रीन, उसको शेयर कर रही हूँ। फाइकस की ही एक वैरायटी है, फाइकस बेंजामिन। और फाइकस में बहुत सारी वैरायटीज आती है, इसके अंदर हाइब्रिड वाली वैरायटीज़ होती है जिनकी लीव्स के अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। और जो ग्रीन कलर वाली वैरायटी आती है उसमें भी आपको बुशी और जो ड्राफ वाला है वो आपको फाइकस मिल जाएगा, लॉन्ग वाला आपको मिल जाएगा। गार्डन के लिए भी ये बहुत ही बेस्ट, जैसे होते हैं कि आप इनको गार्डन में बुशी एक बुश टाइप में आप इनको ग्रो कर सकते हैं, आप इनको एक बड़े रूप में भी ग्रो कर सकते हैं और ये गमले में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो देखते हैं कि इसकी देखभाल किस तरह की जाए, किस तरह आप इससे बहुत ग्रीन और सुंदर सा बनाए हुए हैं। ये देखिए, ये मेरे 12 इंच के दो प्लास्टिक पोट्स में दो फाइकस लगे हुए हैं और एक मेरा आप देखिए ये मिट्टी में लगा हुआ है। ये देखिए, ये मेरा मिट्टी में लगा हुआ है। ये मेरे साल भर के प्लांट है, मैंने लास्ट ईयर इन प्लांट्स को ग्रो किया था और तब से ये अभी तक, ये देख लें इनकी ग्रोथ जो है, जो मेरे प्लास्टिक पोट्स में लगे हुए फाइकस हैं उनकी मैं कटिंग करती रहती हूँ। ये देखिए, जैसे इनको मुझे बुशी बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती, अभी ये इतने बड़े हो गए हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं इनकी हाइट दोनों की और सेम हाइट है, काफ़ी अच्छे से ये ग्रो करते हैं। तो मैं इनको बुशी और एक अच्छा शेप देना चाहती हूँ, इसके लिए मैं कटिंग्स करती हूँ। ये आप कोई भी शेप डेवलप करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट प्लांट है, जिस तरह आप कटिंग्स करके इसको किसी भी तरीके की शेप में आप इसे डेवलप कर सकते हैं। तो अगर सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्सचर की मैं बात करूँ तो देखिए, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप एक वेलड्रेन सॉइल रेडी कीजिए जिसके अंदर पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन इसको मॉइस्चर पसंद है, इसको हल्का हल्का इसकी मिट्टी में मॉइस्चर रहेगा तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन इसकी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा, अगर रुकने से मिट्टी सौगी बन जाएगी तो इसकी जो रूट्स हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए मैंने जो मिट्टी तैयार की है उसमें एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा जो रिवर सैंड और एक हिस्सा मैंने नॉर्मल गार्डन सॉइल का लिया है और उसी से मैंने इसकी मिट्टी रेडी की है। और ये एक वेलड्रेन सॉइल है जिसके अंदर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, मॉइस्चर रहती है मिट्टी लेकिन पानी रुकता नहीं है। देखिए, इसको आउटडोर इंडोर, आप इन्हें आउटडोर और इंडोर दोनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इनको ब्राइट लाइट पसंद होती है, पूरे दिन भर ये ब्राइट लाइट में रहेंगे या मॉर्निंग की जो इनको सनलाइट मिलती है वो भी इनको पसंद है। लेकिन इनको जो डायरेक्ट सनलाइट होती है, जो दिन की तेज वाली धूप होती है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। उसमें इनकी जो लीव्स है वो जलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको वहाँ रखिए जहाँ इनको ब्राइट लाइट्स मिलती रहें, पूरे दिन भर ये इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और बहुत ही इनको अच्छा लगता है। लेकिन अगर आपने इनको मिट्टी में ग्रो किया है, ये देखिए जैसे मेरा ये मिट्टी में ग्रो है, तो आप इनको जो इनको अगर डायरेक्ट सनलाइट भी मिलेगी तो ये इतना रिएक्ट नहीं करते हैं प्लांट्स, लेकिन पोट के जो प्लांट्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। तो आप इन्हें इंडोर यहाँ रखिए जहाँ इनको बहुत अच्छी जो इनडायरेक्ट सनलाइट है वो इनको मिलते रहे, उसकी वजह से ये जो प्लांट है बहुत ही हैप्पी और हेल्दी रहेंगे। आप देख लीजिए मेरे जो प्लांट्स है काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि ये देखिए ये इनके पेड़ों के बीच में है जहाँ इनको पूरे दिन भर ब्राइट लाइट तो मिलती है लेकिन सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट मिलती है, जो डायरेक्ट वाली मिलती है वो। अब अगर मैं इसकी वॉटरिंग की बात करूँ तो देखिए, इसकी जब मिट्टी ड्राई हो जाती है तभी आप इसे पानी दीजिए, ओवर वॉटरिंग मत कीजिए इसे। डेली आप अगर वॉटरिंग करते हैं तो ये चेक कर लीजिए कि जो मिट्टी है वो ड्राई हो ऊपर से, तभी आप इन्हें वाटर दीजिए, क्योंकि ओवर वॉटरिंग जो है प्लांट को मार देती है अंदर से, मतलब इसकी जो रूट्स है वो ख़राब हो जाएंगी और गलना स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसके लिए है कि जब इनकी मिट्टी ड्राई हो जाती है, देखिए जैसे मैंने सुबह इनको पानी दिया था और अब इनकी मिट्टी ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, ये देखिए। तो मैं इनको पानी है वो कल सुबह ही दूंगी, मैं इनको डेली वॉटरिंग करती हूँ, लेकिन ये देखिए मेरी ये मिट्टी जो है ये सूख चुकी है। तो जब मिट्टी सूख जाए तभी आप इन्हें पानी दीजिए, तो ये बहुत अच्छे से उसको एब्जॉर्व करेंगे और अपनी ग्रोथ है जो बढ़िया निकलेंगी इनकी। अब अगर इनकी फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो देखिए कि ऑर्नामेंटल प्लांट्स है और लीव्स प्लांट्स है, तो लीव्स को जो है अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है जिससे इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो मैं इनको मोस्टली जो एक ही फर्टिलाइज़र फीड करती हूँ वो है काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट।
आप उसकी अगर जितनी अच्छी इनको क्वांटिटी देंगे, अच्छी का मतलब ये नहीं है कि आप ओवर फर्टिलाइज कर दें इन्हें, आप मंथ में एक बार, इतने बड़े पोट के लिए मैं एक मुट्ठी के समथिंग यूज़ करती हूँ, उसको आप डाल दीजिए और उससे जो इनकी ग्रीनरी है वो बहुत ही अच्छे से निकलेगी। और देखिए मेरे इस पर आप न्यू ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हर जगह से न्यू ग्रोथ निकल रही है ये देखिए सारे। तो फर्टिलाइज़र इसके लिए इतना, एक हार्डी वेराइटी है तो इतना फर्टिलाइज़र इसके लिए बहुत है। इसके अलावा मैं इन्हें कुछ भी फीड नहीं करती हूँ। हाँ कभी जब मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ भी रेडी करती हूँ तो उसका भी थोड़ा सा हिस्सा इनको दे देती हूँ, बाकी मैं इनको कुछ स्पेशल फर्टिलाइज़र नहीं देती हूँ। लेकिन मेरे आप इनकी ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत मेच्योर हो रहे हैं, सिर्फ साल भर से हैं और बुशी बना रही हूँ कटिंग करके, तो वरना ये इनकी जो ग्रो होने की क्षमता है वो बहुत जल्दी ये ग्रो होते हैं और बहुत ही बड़े बन जाते हैं अगर आप इनको मिट्टी में लगाए रखें तो। तो फर्टिलाइज़र में मैं सिर्फ यही देती हूँ। अब जो बात करते हैं कि अगर इन पे कोई इंसेक्ट अटैक या किसी चीज़ की, तो देखिए मैंने, मेरे पास ये साल भर से है, मैंने इन पे किसी तरीके का कोई इंसेक्ट अटैक नहीं देखा है और मेरे ये अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल जो होता है वो। तो आप जो है इसके लिए टेंशन मत लीजिए कि कुछ है, बहुत ही एक ग्रीन और बेस्ट प्लांट है आपके गार्डन के लिए, बिना किसी ज़्यादा झंझट के या बिना किसी ज़्यादा केयर के चलने वाला। तो आप इसे जगह दे सकते हैं, अगर आपको ग्रीन लुक पसंद है तो आप गार्डन में चारों तरफ ये पोट्स में 2-3 लगाइए, फिर इनके आसपास में आप कुछ और कलरफुल प्लांट्स भी लगा सकते हैं और इनको एक अच्छा लुक दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।